सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान संभव है, सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री आरसीपी सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी, साथ ही हम सब के बीच उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी एवं इस चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे चुनाव के प्रभारी सह पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रेम कुमार जी तथा यहां उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में गरीब कल्याण को समर्पित मजबूत इरादों वाली एनडीए सरकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तत्परता से और सजगता से लड़ाई लड़ी है वो आज पूरे विश्व में एक उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो कदम उठाए हैं और उसमें हमें जो सफलताएं मिली हैं वह भी अत्यंत सराहनीय है। बिहार में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। गांव, गरीब और किसान के लिए बनाई गई योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची हैं। सड़क सुरक्षा एवं शिक्षा बिहार के विकास का सबसे मूल आधार है और विगत 15 वर्षों में बिहार की एनडीए सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार में तब्दील किया है। इस कोरोना काल में भी केंद्र सरकार द्वारा छठ तक के लिए जो मुफ्त राशन गरीबों को दिया गया है वह आज तक विश्व के किसी देश के इतिहास में यह काम नहीं हुआ था। उसी प्रकार पीएम केयर्स फंड से 2500 बेड के अस्पताल 3 महीनों में बिहार में बना लिए गए और यह सब तभी संभव हो सका जब केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। अब सबको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि जेडीयू के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन का एक अहम साझेदार है। लोजपा हमारे सहयोगी थे किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोजपा नेता श्री रामविलास पासवान जी का हम सम्मान करते हैं और वह जल्दी स्वस्थ हो जाए इसकी भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब मैं श्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करने से पहले मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। श्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 3/4 बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। बिहार में एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 2010 का इतिहास बनाएगी और 3/4 के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के संगठन प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी और यहां पर उपस्थित जनता दल यू के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई,
कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, आरसीपी सिंह जी, ललन जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जो बुनियादी बातें हैं उसकी जानकारी संजय जायसवाल जी ने दे दी है। जो हम लोगों का गठबंधन है एनडीए, इसमें बातचीत हो चुकी है और हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। आज इन्होंने बता दिया है जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, जैसे ही आप रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी, कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था, कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ये बता रहे थे अभी संजय जायसवाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी। और कितना ज्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, COVID-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित, और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है, ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया। और आज आप देख लीजिए, जांच का भी सवाल है तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, देश का जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा, हमारा देश के एवरेज से भी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई या हो रही है उसमें भी हम लोग आगे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्यु होती है
उसकी भी कमी है हम लोगों के यहाँ, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात लोग जब ये हुआ और बाहर में जो लोग थे हम लोगों के, जिसको प्रवासी कहा जाता है, मैं तो प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं, मैं शुरू से बोलता हूं, देश तो एक है, देश के अंदर कोई एक प्रांत का दूसरे प्रांत में जाता है उसको प्रवासी कहना उचित नहीं है, हर किसी को देश के अंदर जाने का अधिकार है, सारे लोग जाते हैं, बिहार में क्या दूसरे राज्य के लोग नहीं है? लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, यहां पता नहीं है कि केरला के लोग या महाराष्ट्र के लोग बिहार में हैं कि नहीं है, तो ठीक से तो मालूम नहीं है। तो बिहार के लोग भी सब जगह जाते हैं या जहां कहीं भी इच्छा होती है जाते हैं, अब वहां थे परेशानी में थे, तो हम लोगों ने तो एक एक लोगों से संपर्क किया और सब लोगों को जो भी है मतलब 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की सहायता राज्य सरकार की तरफ से किया गया, और जो गाइडलाइन था जारी उसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने का नहीं था, फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया अप्रैल महीने में, और जो रेलगाड़ी से आने की सुविधा की गई, कितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए और लोगों के साथ कितना यहां किया गया, अलग अलग लोगों को जिसमें था कोई 8 जगह से आए जिनकी स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी, उनको अलग हम लोग 14 दिन तक रखे क्वारंटाइन सेंटर, और उसमें एक एक लोगों पर 5,300 रुपया 14 दिन के अंदर हम लोगों ने खर्च किया। तो लोगों को तो मालूम कुछ रहता नहीं है, केंद्र ने मदद किया कितना जिसकी चर्चा इन्होंने कर दी, किस तरह से लोग जो लोगों को सुविधा हो जाए चारों तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन कुछ बातें तो यूं की जाती है तो एक बात है, और हर प्रकार से हम लोग एक एक तरह का इंतजाम करके रखे हुए, और एक एक क्षण अभी तो अब चुनाव आ गया, तब चुनाव आ गया तो जितने सरकार के और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं अधिकारी हैं ये उनका देखना काम है। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है डेट, हमको जब से मौका मिला है तब से जिस दिन अनाउंस हो जाता है चुनाव का इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके अगले दिन या उसी दिन हम ऑथोराइज कर देते हैं सब काम के लिए चीफ सेक्रेटरी को। तो जेडीयू बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ किया उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, किन कामों के ऊपर बिहार की जनता उनमें एक बार फिर से विश्वास व्यक्त करेगी। लेकिन सीटों के बंटवारे की बात करें तो जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं एनडीए में, 121 सीटें मिली हैं बीजेपी को, जेडीयू अपने कोटे से 7 सीटें हमको देगी, यानी 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी।